हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं एग्जाम नोटबुक। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, इंटरनेट कहाँ का ओरिजिन क्या था, इंटरनेट कैसे काम करता है, इन सब चीजों पे हमने डिस्कस किया था। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पे शुरुआत भारत में कैसे हुई और इंटरनेट के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, इसके लिए हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियोस को जरूर देखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक। दोस्तों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी वो 15 अगस्त 1995, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा हुई, जिसको हम शॉर्टकट में BSNL कहते हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत करी थी और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चुनिंदा सेक्टरों तक ही सीमित था। बट इन नवंबर 1998 में गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर दिया सभी सेक्टरों के लिए, यानी कि पब्लिक यूज के लिए ये 1998 के बाद से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। बहुत सारी कंपनियों के द्वारा आज के इस डेट में हम इंटरनेट की सर्विसेज मिलती है, लेकिन ये 1998 के बाद से ही पब्लिक के लिए ओपन हुआ। इसके पहले सिर्फ चुनिंदा सेक्टरों में ही भारत में इंटरनेट प्रोवाइड होता था। आगे हम बात करते हैं कि थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, अगर हमें इंटरनेट को एस्टैब्लिश करना है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हम इसकी बात करने वाले। जो सबसे पहली हमारी नीड है, दैट इज नोन एज क्लाइंट पीसी। क्लाइंट पीसी का मतलब हो गया हमें वो डिवाइस है जिसपे हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है। सबसे पहले तो हमारी नीड वही है। ओके, अब हम बात करते हैं ISP की। ISP क्या होता है? तो ISP क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या होता है? ये कंपनी है। ISP क्या है? एक कंपनी है दैट प्रोवाइड इंडिविजुअल एंड अदर कंपनीज एक्सेस टू द इंटरनेट। आप कह सकते हैं ISP वो कंपनियां होती हैं जो कि इंटरनेट की सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम ISP कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हैं, नाम सुना होगा अपने जियो का, वोडाफोन EVI का, BSNL का, एयरटेल का, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इंटरनेट में, बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में जो कि इंटरनेट के सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे ISP। ओके, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की भी जरूरत पड़ेगी। अगर हमें इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो हमें मॉडेम की भी जरूरत पड़ेगी। ए मॉडेम क्या होता है? मॉडेम इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। इसकी क्या जरूरत? हमारे पास देखो, कंप्यूटर या कहीं भी हम दो तरह के सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं, एक को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल और दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो ओवर द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे हमारा रेडियो वेव हो गया, ये सारे क्या है? एनालॉग सिग्नल। और जो डिजिटल सिग्नल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात होगी, जिसमें बाइनरी सिग्नल्स की बात होगी, बाइनरी डिजिट्स की बात होगी, वो तो क्या है? डिजिटल सिग्नल। तो मॉडर्न क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की काम करता है। इसकी जरूरत क्या है? जब भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट की जो ISPs होती हैं वो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर देती हैं, लिंक हमें करती हैं ओवर द एयर। ओवर द एयर हमें रेडियो वेव के जरिए या टेलीफोन लाइन के जरिए हमें इंटरनेट की सर्विसेज मिलती हैं, जो कि फॉर्म होता है उनका एनालॉग। बट हमारा जो PC है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो ऑलवेज डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा उस एनालॉग सिग्नल जो कि इंटरनेट का आ रहा होगा ISP से, उसको डिजिटल सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल्स को वापस एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट भी तो सेंड करनी है इंटरनेट से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडेम। ओके, मॉडेम क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। अब हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की। अगर हमें इंटरनेट का यूज करना है, कुछ भी इंटरनेट से चाहिए होगा, तो हमें वेब ब्राउजर भी चाहिए ही चाहिए। वेब ब्राउजर क्या है? ए वेब ब्राउजर इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहले भी बात कर चुके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बनाई गई है, जो यूजर की नीड को फुलफिल करने के लिए बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ये क्या करता है, दैट सेंड्स यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज। ये वेब ब्राउजर क्या करता है, यूजर का रिक्वेस्ट जो वेब पेज का वो सेंड करता है, एंड वेब ब्राउजर रिट्रीव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर। वेब सर्वर का मतलब वो पीसी जहां पे वो पेज एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर से वो नेसेसरी कंटेंट को एक्सेस करेगा एंड देन डिस्प्ले द पेज ऑन द यूजर डिवाइस, उसके डिवाइस में, यूजर के डिवाइस में क्या करेगा, से डिस्प्ले कर। तो ब्राउजर हमारा क्या है, ब्राउजर को हम इस्तेमाल करते हैं यूजर की रिक्वेस्ट इंटरनेट से या WWW से हम कह सकते हैं उसे इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, और वेब सर्वर से कोई डेटा रिट्रीव करने के लिए हम जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। एक चीज और समझने की बात है कि ए वेब ब्राउजर इट इज यूज HTTP प्रोटोकॉल फॉर दिस। जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं वो जो डेटा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और रिट्रीव करते हैं वो यूज करते हैं HTTP प्रोटोकॉल। आप लोगों ने भी अगर कभी वेब ब्राउजर को ऊपर ध्यान से देखा होगा तो हर एक URL के पहले HTTP लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है वो HTTP प्रोटोकॉल के जरिए सेंड करता है और रिक्वेस्ट को रिट्रीव भी करता है HTTP प्रोटोकॉल के जरिए। ठीक है, हाइपरलिंक ट्रांसफरेंस को कंट्रोल करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो कि कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, एंड मोजैक ये क्या है, ये एक फर्स्ट ब्राउजर है जो कि हम इंटरनेट के इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के डेट में तो बहुत सारे ब्राउजर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी विंडोज 10 में नया ब्राउजर एज लॉन्च किया गया, तो बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं। जो फर्स्ट वेब ब्राउजर था उसको हम बोलते हैं मोजैक वेब ब्राउजर था, और ये ग्राफिकल वेब ब्राउजर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा सारे टॉपिक का। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल्स को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ और इंटरनेट सर्विसेज की बात करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।